पहुंचो उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डिब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। क्या दें हम भगवान शिव को? कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र। कार्तिक के महीने की दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी पर, चाहे उजाले की हो चाहे अंधेरे की, शुक्ल पक्षी की हो चाहे कृष्ण पक्षी, एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र, आप कभी दिल से, कभी मौका मिले हृदय से दामोदर मास में, कार्तिक मास में अशोक सुंदरी वाली जगह का स्पर्श कर भगवान शंकर के शिवलिंग पर एक बार समर्पित कर देखना, और दूसरे वर्ष इंतजार करना कि तुमने कार्तिक महीने में अष्टमी के दिन बाबा को शमी पत्र बेलपत्र दिया था, क्या बाबा ने तेरे घर में धन और वैभव दिया कि नहीं दिया, जो स्थिति में गाड़ी चल रही थी वो स्थिति की गाड़ी तेरी पार हुई कि ना। कितने बेलपत्र, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, कितना शमी पत्र, एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र। कभी स्मरण में लाई है, बस ये जो कार्तिक महीने में दामोदर मास में आप एक बेलपत्र, तीन शमी पत्र अष्टमी के दिन, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों अष्टमी में से किसी भी अष्टमी को जब आप समर्पित करें तो चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, सबकी आवाज आना चाहिए, चंपेश्वर महादेव, केवल चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर आप अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी तो मालूम है ना सबको, जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये बीच में से जो दो लाइन गई गणेश कार्तिके, और बीच में एक लाइन जाती है मोटी सी शिवलिंग के सम्मुख में, उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहा जाता है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल की जलाधारी लगती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है, वो भगवान शंकर की पांच बेटियां हैं जो ऊपर कलश के रूप में रखी रहती हैं, जिसमें से बूंद बूंद जल नीचे गिरता है, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, शिव जी की पांच बेटियां। शंकर भगवान की छठी बेटी अशोक सुंदरी बीच में, जब आप बेलपत्र एक, शमी पत्र तीन, चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर को जब समर्पित समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए ना लाए, अष्टमी तिथि तुम प्रसाद का चाहे वो शुक्ल पक्ष ना लाए, चाहे कोई वस्तु लाए कि ना लाए, अष्टमी तिथि को ना याद रख, समर्पित करते तुम अपना दिल वर्ष पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, साल भर पहले जितना कमाते थे, वर्ष क्या दे हम भगवान शिव, जो व्यापार व्यवसाय कर रहे थे साल भर से, जो नौकरी के लिए कार्तिक के महीने कर रहे थे, उसमें सफलता आपको अगले वर्ष की एक दामोदर मास आने से पहले मिली कि नहीं मिली, वो स्मरण आपके ध्यान दीजिएगा। कार्तिक के महीने में एक बेलपत्र, तीन